जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं PR के अनबॉक्सिंग YouTube चैनल। दोस्तों, कौन कहता है जहर से ही इंसान मरता है, एक और चीज़ है जनाब, उसे उम्मीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनलॉक 4 के बारे में, यानी अनलॉक 4 के बारे में। अनलॉक 4 में क्या क्या गाइडलाइन दी जाएंगी और क्या क्या खुलने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्यार भर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साइड में बेल आइकन दिख रहा होगा उसे प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनलॉक 4 1 सितंबर से लागू होने वाला है। अनलॉक का चौथा चरण आखिर क्यों है सबसे ज़्यादा अहम, जाने वजह। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस से 34 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं अब तक 62,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच 1 सितंबर से अनलॉक के चौथे चरण की शुरुआत होने जा रही है, जिसे बीते 3 चरणों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यानी 1 सितंबर से कई गतिविधियां फिर से शुरू हो जाएंगी, लेकिन कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में अब रोजाना 70,000 से ज़्यादा केस सामने आने लगे हैं, ऐसे में इसको प्रसार को रोक पाना काफ़ी चुनौती भरा होगा। 6 सितंबर तक देश भर में इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा GE Main आयोजित की जाएगी। वहीं मेडिकल कॉलेज में एंट्री के लिए होने वाली NET का आयोजन 13 दिसंबर को होगा। इसके अलावा कॉलेज और विद्यार्थी अपनी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करेंगे, जैसे कि UC द्वारा निर्धारित किए गए। इसलिए सितंबर से अचानक बहुत सारी गतिविधियां एक साथ शुरू हो जाएंगी। यू की परीक्षा स्थानिक नहीं हुई है और अब परीक्षा स्थानिक होने का मौका नहीं, इसलिए सामाजिक परिवर्तन ने जो अनलॉक 3 तक न्यूनतम क्षमता के साथ काम कर रहा था, उसकी क्षमता को बढ़ाना होगा, जिससे परीक्षाओं अपने केंद्रों पर आसानी से तय समय तक पहुंच सके। लोकल और मेट्रो शुरू करने की मांग। हालांकि गृह मंत्रालय ने अभी तक अनलॉक 4 के लिए निर्देश गाइडलाइन जारी नहीं की है, और कई राज्यों में मेट्रो ट्रेन और लोकल ट्रेन को फिर से शुरू करने के पक्ष में हैं। एक बार ये सेवाएं शुरू हो जाएंगी तो यह निगरानी करना बेहतर महत्वपूर्ण होगा कि कोरोना से संबंधित सभी गाइडलाइन को ठीक तरह से पालन करवाया जाए। हालांकि यह कड़ी चुनौती होगा, शैक्षिक गतिविधियाँ शुरू होगी, ऐसे संभावना नहीं है कि पहले 3 चरण की तरह केंद्र सरकार शैक्षिक स्थानों को फिर से खोलने का फैसला करेगी। अनलॉक 4 में स्थिति बंद बदल जाएगी। शिक्षकों को अन्य कर्मचारी को ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए कहा जा सकता है। कुछ राज्यों में स्कूल से ऑनलाइन कक्षाएं लेंगे। इसके अतिरिक्त कई स्कूल राष्ट्रीय स्तरीय प्रवेश परीक्षाओं के लिए केंद्र हैं, इसलिए सितंबर से किसी न किसी तरह से शैक्षिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। बॉर्डर पर कोई रोक नहीं होगा। गृह मंत्रालय ने हालांकि सबसे राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि लॉकडाउन में ढील की मौजूदगी प्रक्रिया के दौरान किसी राज्य के भीतर तय एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्तियों और सामने के आगमन का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। और पत्र में कहा है कि किसी देश भी प्रतिबंध गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की सीधा उल्लंघन होगा। इसके लिए राज्य सरकार को किसी दुविधा के एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की अनुमति नहीं देनी होगी। पीक पर पहुंच चुका है कोरोना का कहर। देश में प्रतिदिन COVID-19 के मामले संख्या अगस्त के अंतिम सप्ताह में उच्च स्तर पर पहुँच चुकी है। हालांकि रिकवरी रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हर दिन किए जाने वाले परीक्षणों की संख्या ने सभी रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। अब परीक्षाओं की संख्या बढ़ाना है कि रणनीति का केंद्र बिंदु है। जितना जल्दी मामले का पता लगाया जा सके, संक्रमण को रोकना आसान हो जाता है। इसलिए बढ़ते मामलों की संख्या के बावजूद स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्थिति गंभीर नहीं है, क्योंकि मरने वाले की संख्या में कमी आई है। यह देख जाना चाहिए कि सितंबर में फिर से शुरू की गई गतिविधियों के बीच रणनीति कैसे काम कर रही है। दोस्तों, वीडियो में बस इतना था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।